हाय गाइस, वेलकम टू दिस सेशन। आज के सेशन में हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एडवर्टाइजिंग एडिटर की। सो माइक्रोसॉफ्ट एडवर्टाइजिंग एडिटर एक सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। ये यूजफुल रहता है जब हम अकाउंट्स मैनेज कर रहे होते हैं। काफी बिजनेसेस ऐसे हैं जो काफी पैसा लगाते हैं माइक्रोसॉफ्ट एडवर्टाइजिंग में अपने बिजनेस को एडवर्टाइज करने के लिए। उस केसेस में वो काफी केयरफुल रहते हैं कि कैंपेन के अंदर कौन से फीचर्स चल रहे हैं, कौन से एड्स चला रहे हैं, क्या कीवर्ड्स यूज किए हैं। तो वो कोई भी चेंजेस नहीं करना चाहते हैं लाइव अकाउंट के अंदर, क्योंकि उनको लगता है कि अगर लाइव अकाउंट में चेंजेस करेंगे तो उससे परफॉर्मेंस में इम्पैक्ट हो सकता है, परफॉर्मेंस डाउन जा सकता है। बट एट द सेम टाइम वो ये भी चाहते हैं कि वो एक्सपेरिमेंट करें, वो नए फीचर्स को ट्राई करें और देखें कि काफी क्या उनसे परफॉर्मेंस और बेहतर हो सकती है कि नहीं। सो उन सारे केसेस के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने ये सॉफ्टवेयर बनाया है जो कि है माइक्रोसॉफ्ट एडवर्टाइजिंग एडिटर, जो कि ऑफलाइन काम करता है। इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के बाद उनके वेबसाइट से हम उनके वेबसाइट पे जाके हम पूरे के पूरे माइक्रोसॉफ्ट एड्स अकाउंट को इस सॉफ्टवेयर पे अपलोड कर सकते हैं ऑफलाइन मोड में। और अब इसके अंदर हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, हम नए कैंपेन्स बना सकते हैं, एड ग्रुप्स, एड्स, कीवर्ड्स, बिड्स, बजट्स, हम एग्जिस्टिंग कैंपेन्स में चेंजेस कर सकते हैं, जबकि लाइव अकाउंट में कोई चेंज नहीं हो रहा है। लाइव अकाउंट जैसा है वैसे ही चल रहा है। हम साइमल्टेनियसली ऑफलाइन मोड में उस अकाउंट पे काम कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं, और चेंजेस करने के बाद हम क्लाइंट को ये चेंजेस दिखाते हैं, और जब क्लाइंट अप्रूव कर देता है हम इन चेंजेस को लाइव अकाउंट में अप्लाई कर पाते हैं। सो ये सॉफ्टवेयर यूज करने से काफी हद तक एक्सपेरिमेंट्स हम कर पाते हैं विदाउट मेकिंग एनी नेगेटिव इम्पैक्ट। लाइव अकाउंट पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। सो आइए देखते हैं गाइस कैसे हम इसे एक्सेस कर सकते हैं और इसे यूज कर सकते हैं। सो माइक्रोसॉफ्ट एडवर्टाइजिंग एडिटर अगर हम सर्च करें, तो हम उनके वेबसाइट पे जाके ये डाउनलोड कर सकते हैं फ्री। सो ये वेबसाइट है गाइस माइक्रोसॉफ्ट एडवर्टाइजिंग एडिटर का, जहां से हम ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट हमको दोनों वर्जन देता है, विंडोज और एप्पल मैक ओएस का। तो हम जो भी हमारा सिस्टम है उसके हिसाब से हम उसे डाउनलोड कर सकते हैं, और फिर डाउनलोड करने के बाद इसके अंदर हम अपने माइक्रोसॉफ्ट एड्स अकाउंट को अपलोड करेंगे। सो आइए देखते हैं ये सॉफ्टवेयर दिखता कैसा है। सो इस तरीके से हमारा माइक्रोसॉफ्ट एडवर्टाइजिंग एडिटर दिखाई देगा। आपको दिख रहा है लेफ्ट पैनल पे सारे कैंपेन्स दिखाई दे रहे हैं। मैंने अपने अपना अकाउंट ऑलरेडी अपलोड कर रखा है इसके अंदर। सो ये मेरे सारे कैंपेन्स हैं जो स्क्रीन के एकदम मिडिल में आ रहे हैं। अब अगर मैं कोई भी कैंपेन सिलेक्ट करूं तो उसपे वो राइट हैंड साइड पे हाईलाइट हो जाता है उसके सारे डिटेल्स, और यहाँ पे मैं चेंजेस कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मुझे स्टेटस चेंज करना है तो मैं स्टेटस चेंज कर पाता हूँ, अगर मुझे बजट चेंज करना है तो मैं बजट भी चेंज कर सकता हूँ। इस तरीके से सारे कैंपेन के डिटेल्स राइट हैंड साइड में हैं जो हम चेंज कर पाते हैं। सिमिलरली अगर हम एड ग्रुप्स में जाएं तो सारे एड ग्रुप्स हमें दिखाई देते हैं, और उन एड ग्रुप्स में अगर मुझे कोई चेंजेस करने हैं, मुझे कोई एड ग्रुप हटाना है तो मैं डिलीट कर सकता हूँ। ओके, मुझे अगर नए एड ग्रुप्स बनाने हैं तो मैं यहाँ से नए एड ग्रुप्स बना सकता हूँ। तो इस तरीके से हम चेंजेस कर पाते हैं एड ग्रुप लेवल पे भी, और फिर कीवर्ड्स में भी सेम ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं। अगर हमें कोई कीवर्ड्स को अनपॉज करना है, एक्टिवेट करना है, तो वो सब भी हम कर पाते हैं यहाँ पे। ओके, अगर मुझे कीवर्ड्स में मॉडिफिकेशन करने हैं वो चेंजेस हम कर पाते हैं। इसके अलावा अगर हमें नए कीवर्ड्स ऐड करने हैं तो हम यहाँ से नए कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं। अगर हमें एडिट करना है कीवर्ड को तो हम यहाँ पे एडिट कर सकते हैं आके कीवर्ड को हाईलाइट करके। तो ये सारी चीजें कीवर्ड्स पे हो जाती हैं। और इसके अलावा जब हम एड्स एंड एक्सटेंशंस में आएंगे तो एड्स में भी हमको काफी हद तक ऑप्शंस मिल जाते हैं जो हम चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि रेस्पॉन्सिव सर्च एड्स हैं हमारे, तो अगर मुझे हेडलाइंस चेंज करने हैं, नए हेडलाइंस ऐड करने हैं, डिस्क्रिप्शंस मॉडिफाई करने हैं, या फिर कोई एड को डिलीट ही कर देना है, तो वो सारी चीजें मैं कर पाता हूँ यहाँ पे। इसके अलावा अगर मुझे नए एड्स बनाने हैं तो मैं नए एड्स भी यहाँ से बना सकता हूँ। तो ये सारे चेंजेस होते हैं जो हम सॉफ्टवेयर के अंदर कर पाते हैं। ये चेंजेस करने के बाद अब अगर हमें ये सारे चेंजेस लाइव अकाउंट पे अप्लाई करने हैं तो हम पोस्ट बटन पे क्लिक करते हैं जो ऊपर दिया गया है। पोस्ट बटन पे क्लिक करते ही सारे चेंजेस यहाँ पे लाइन अप हो जाते हैं जो हमने चेंजेस किए,
और फिर इस बटन पे क्लिक करके सारे चेंजेस लाइव अकाउंट पे चले जाते हैं और अप्लाई हो जाते हैं। सो इस तरीके से हम इस सॉफ्टवेयर को यूज करके चेंजेस कर सकते हैं अकाउंट के अंदर और फिर उन्हें अप्लाई कर पाते हैं। फायदा ये रहता है कि इससे एरर्स होने के चांसेस कम हो जाते हैं। लाइव अकाउंट पे हम काम नहीं कर रहे होते हैं तो उसमें रेवेन्यू इम्पैक्ट डायरेक्टली होता नहीं है, तो उससे काफी हद तक यूजफुल रहता है। ये सॉफ्टवेयर मोस्टली डिजिटल एड एजेंसीज में बहुत यूज होता है। एजेंसीज जो क्लाइंट्स के माइक्रोसॉफ्ट एड्स अकाउंट्स मैनेज कर रहे होते हैं वो ये सॉफ्टवेयर को काफी यूज करते हैं, क्योंकि इससे सेम वही फायदा रहता है कि हम लाइव अकाउंट पे काम नहीं करते, हम सॉफ्टवेयर पे काम करके काम दिखा के उसको हम अप्लाई करवाते हैं। आई होप दिस मेक सेंस। सबको समझ में आया कि माइक्रोसॉफ्ट एडवर्टाइजिंग एडिटर क्या होता है और उसे कैसे यूज करना है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग इन टू दिस सेशन टूडे। हैव अ ग्रेट डे गाइज।